हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नरेश कौशल, दैनिक अर्थ प्रकाश और अर्थ प्रकाश वेब टीवी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली के चुनाव परिणामों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बड़े अप्रत्याशित तो नहीं कहा जा सकता चुनावों को, क्योंकि लगभग सभी चैनलों पर जो सर्वेक्षण आए, जो एग्जिट पोल दिखाए गए, वो सभी लगभग 60-65 के आसपास आम आदमी पार्टी को जो है सीटें दे रहे थे। और हम ये भी यहाँ बताना चाहेंगे कि दैनिक अर्थ प्रकाश वेबसाइट ने भी जिस दिन मतदान हुआ है उसी दिन हमने ये अनुमान लगाया था अपने बुलेटिन में कि 60 के आसपास आम आदमी पार्टी सीटें लेती दिखाई पड़ रही है। हमारा अनुमान अमूमन सही निकला है, जैसे कि पहले भी होता रहा है। सियासत के धरातल पर केजरीवाल ने आज जो है एक नई इबारत जो है लिखी है। पिछले कुछ वर्षों से सांप्रदायिकता के चाबुक से वोटरों का जो ध्रुवीकरण हो रहा था, जो उनको उस चाबुक से हांका जा रहा था, उसको आम आदमी पार्टी के कुशल नेतृत्व ने एक तरफ करके रख दिया है। और उस ध्रुवीकरण की जगह लोगों ने जो है विकास को अपनाया है, विकास को वोट दिया है। यहाँ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो पार्टी पिछले विधानसभा में 67 सीटें जिस पार्टी ने ली थी, उसमें सिर्फ 4 सीटों का अंतर रहा है। और अकेले एक आदमी के बल पर, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दर्जनों केंद्रीय मंत्री और सैकड़ों विधायक और सांसद जो थे, वो इन 70 सीटों पर छाए हुए थे। और उन्होंने खूब डट के प्रचार किया, लेकिन वो किसी काम नहीं आया। और उनका आंकड़ा जो है वो डबल डिजिट में भी रहता दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि दिल्ली चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद दैनिक अर्थ प्रकाश में हमने एक त्वरित टिप्पणी में कहा था कि दिल्ली देश का ऐसा राज्य है जहां से देश के राज्य दर राज्य चप्पे चप्पे की सियासती धमनियाँ हैं, जो वो प्राणवायु या तो यहाँ से प्राप्त करती हैं इंद्रप्रस्थ से, या बहुत सी धमनियाँ जो वंचित रह जाती हैं प्राणवायु से। लोकतंत्र की इस प्रयोगशाला से, ये जो आज दिल्ली की प्रयोगशाला में जो हुआ है प्रयोग, उसके जो परिणाम निकल कर आए हैं, उससे भविष्य की सियासत में नए आयाम स्थापित होने की आशा हम जरूर कर सकते हैं। इस चुनाव से पूर्व 5 राज्यों में चुनाव जो हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई है, और ये छठे चुनाव में भी वो पराजित हुई है। लेकिन देखने की बात यह है कि केंद्र में 300 से अधिक सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ वो सत्ता में आई है। सजग मतदाता का यहाँ से अब पता चलता है कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों को वह अलग अलग आंकता है और उसका अलग अलग अपना जो निर्णय वो करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बहुत ही शुभ संकेत की बात कही जा सकती है। इस चुनाव परिणाम का सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहलू ये है कि लोग बाग ना तो नफरत की राजनीति में विश्वास रखते हैं और ना ही सांप्रदायिक मुद्दों में उनकी कोई रुचि है। राजनीतिक गलियारों में तो टिप्पणी यह भी की जा रही है कि यह परिणाम नागरिकता कानून और हिंदू मुस्लिम की राजनीति को धत्ता बताते दिखाई दे रहे हैं। निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव के दौरान शाहीन बाग और पाकिस्तान को केंद्र में रखकर प्रचार किया। स्थानीय मुद्दों पर उसके पास बोलने को कम ही था। 20 साल से सत्ता से बेदखल भाजपा भले ही स्थानीय निकाय चुनावों में जीती, लेकिन वह कुछ प्रभावशाली करती दिखाई नहीं दे रही। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रचार को विकास पर केंद्रित रखा।
बिजली, पानी, शिक्षा के मोर्चे पर अर्जित उपलब्धियों का हवाला देकर पार्टी ने केजरीवाल को दोबारा लाने का नारा दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अकेले शिक्षा के ऊपर 25% पूरे बजट का 25% जो है शिक्षा के लिए उन्होंने रखा था। भाजपा खासकर केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह के शाहीन बाग के व्यूह चक्र रचने के बावजूद केजरीवाल उस व्यूह चक्र में फंसने से बचते दिखाई दिए। वह तो उल्टे हनुमान जी की शरण में चले गए और ये संदेश देने लगे कि असली हिंदू वह खुद हैं। धारा 370 का भी समर्थन केजरीवाल ने किया और उससे ये साबित किया कि वह देश के मुद्दों को किसी पार्टी पॉलिटिक्स के नज़रिए से नहीं आंकते हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, शीला दीक्षित के नेतृत्व में 3 बार लगातार सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस का वजूद दिल्ली में निम्न स्तर पर आता दिखाई दे रहा है। उसे महज 4% यानी कि पहले से भी कम जो वोट जो है वो प्राप्त हुए हैं। और यही बात नहीं, 60 से अधिक उनके जो उम्मीदवार थे उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। कांग्रेस के बारे में 2 बातें कही जा सकती हैं। नंबर 1, ऐसा दिखाई दिया कि वो कहते हैं कि हम भले जीते ना जीते लेकिन भाजपा नहीं जीतनी चाहिए, तो बहुत सी जगह पर कांग्रेस के जो समर्थक थे उन्होंने केजरीवाल को अपनाया। दूसरी ओर भाजपा ने विधानसभा क्षेत्रों में अपना मतदान प्रतिशत मजबूत पहले की अपेक्षा जरूर किया है। भले ही लोकसभा चुनाव में दिल्ली में मत प्रतिशत इससे भी ज़्यादा था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार लगभग 35% के आसपास भाजपा का जो है वो मत प्रतिशत रहा है। अब देखना है कि नए स्वरूप में आने वाले केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की जो सियासत की चौसर है उस पर क्या अपनी राजनीति का खेल खेलना शुरू करेंगे। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि उनमें भले ही बहुत से गुण हैं लेकिन व्यक्तिवाद की राजनीति से वह भी अछूते नहीं हैं। तो ऐसे में ये कहना अभी समय से पहले की बात होगी कि क्या केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर कामयाब होंगे कि नहीं। हम अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व आपको अर्थ प्रकाश का जो टेंशन खल्लास पहले पृष्ठ पे आता है उसका 2 पंक्तियां जरूर सुनाना चाहेंगे क्योंकि वो रोचक भी हैं और बिल्कुल फिट बैठती हैं आज के परिणामों पे। पहले पृष्ठ पर आज के दैनिक अर्थ प्रकाश में ये प्रकाशित जो हुआ है ये हम आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे। इधर ये टेंशन खल्लास, ये हमने इसका टॉपिक था कि चुनाव परिणाम आ जाएंगे, यानी कि ये आज सुबह प्रकाशित हुआ। तो नीचे क्या हमने टिप्पणी क्या लिखी, मतदाता बड़े सजग हैं, दिल्ली के दिलदार, कामकाज के नाम पर करेंगे बेड़ा पार, और कामकाज के नाम पर ही वोट पड़े हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक अर्थ प्रकाश फिर आपकी सेवा में इसी वेबसाइट को लेकर उपस्थित होगा और आप देखते रहिए हमारा वेब टीवी अर्थ प्रकाश और पढ़ते रहिए दैनिक अर्थ प्रकाश। और इसके साथ ही आप अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ कुछ ना कुछ समय जरूर बिताइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।